नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। रांची से मैं हूं सूरज कुमार। जी हां, इस वक्त हम खड़े झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आलीशान घर के बाहर, और ये इलाका है रांची एयरपोर्ट यानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बगल में। ये जो आप आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं, ये झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का का ये घर है। और इस तरह की जो बिल्डिंग है, यानी कह सकते इस तरह की जो आलीशान भवन है, रांची में कई जगह एनोस एक्का के। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर को इस लाखों की करोड़ों की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया। ऐसे ऐसे कई बिल्डिंग को ईडी ने यानी परिवर्तन निदेशालय ने सील कर दिया, क्योंकि एनोस एक्का के ऊपर में आय से अधिक संपत्ति का मामला चढ़ा था। फिलहाल उस मामले को लेकर वो पिछले कई सालों से सलाखों के पीछे हैं। और फिलहाल 2 साल पहले उनके ऊपर उन्हीं की गांव यानी उनके विधानसभा जो कोलोबीरा है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में पारा शिक्षक की हत्या के मामले में वो सजायाफ्ता है। और फिलहाल उस मामले में भी वो सजा काट रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन निदेशालय ने एनोस एक्का के घर के बाहर में नोटिस बोर्ड लगा दिया है। ये सिर्फ एनोस एक्का की ये एयरपोर्ट के बगल में घर की बात नहीं, बल्कि रांची में ऐसे कई उनके करोड़ों की लागत से बनाई हुए घर हैं, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की जमीन है, जिसे ईडी ने कुछ दिन पहले सील कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये अंदर का नज़ारा कि किस तरह से एनोस एक्का ने इस घर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। और घर बनाने के बाद उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कस चुका था, जिसके वजह से वो इस घर में शिफ्ट नहीं हो पाए थे। तो ये कह सकते हैं कि कानून का शिकंजा लगातार एनोस एक्का के ऊपर लगता जा रहा है, और एनोस एक्का की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल एनोस एक्का हत्या और आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। सूरज कुमार, सिटी पोस्ट लाइव, रांची।